बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शर्ली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामनाएं से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर आज का है ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर FSC ACS पार्ट 2 का ये है चैप्टर नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। फिर इसके आगे हम फर्दर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन नाइट स्विच भी पढ़ेंगे इसी के साथ, और देन ऑपरेशन एम्पलीफायर को भी डिस्कस करेंगे, और देन इंशाल्लाह एज अ कंपैरेटर भी ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया जाएगा। तो तीन तरह से ट्रांजिस्टर को हमने डिस्कस करना। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने चाह रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कि ट्रांजिस्टर जो है एक एम्पलीफायर के तौर पर कैसे काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि एम्पलीफायर का क्या मतलब है। एम्पलीफायर का मतलब ये है कि किसी इनपुट सिग्नल को उसको इनहांस करके उसको आउटपुट सिग्नल में क्रिएट करना। या सिंपल सी मिसाल है कि अगर आपके पास कोई इनपुट सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कर देना। ये एम्पलीफायर सिग्नल है, ये नॉन एम्पलीफायर सिग्नल है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो एम्पलीफिकेशन है, जैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड के साथ एम्पलीफायर अटैच करते हैं कि आपके मोबाइल की एक जो वॉइस है वो बहुत कम है, बट एम्पलीफायर के साथ अटैच करके उसको आप जब किसी स्पीकर से कनेक्ट करते हैं तो उसका साउंड इनपुट जो दे रहे होते हैं उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा आती है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कुछ नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स पे बेस करते हैं जो कि इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसलिए हमने बजाय अलहदा इनके एम्पलीफिकेशन देखने के, हमने एक ट्रांजिस्टर चिप बना ली जो कि एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होती है, ताकि हम इंडिविजुअली तौर पर जो सिग्नल एम्पलीफाई कर रहे हैं उसको हम सम अप करके सब सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकें। तो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसमें क्या चीज हमें गिवन है, ये जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, क्या चीज हमें करना है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर में एम्पलीट्यूड गेन जो है, या जो एम्पलीफायर गेन है वो इक्वल आपके पास होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, डेल वी ओवर डेल वी नॉट, वी इन डेल वी इन, कि आपके पास ये इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। द रेशियो बिटवीन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो एम्पलीफायर गेन के इक्वल होता है। अगर एम्पलीफायर की बात करें तो हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे नेगेटिव ऑफ बीटा आर ऑफ आई ई ओवर आर सी। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे आर सी ऊपर आर ऑफ आई नीचे इंशाल्लाह। इसी तरह का हमने एक एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर गेन इस एम्पलीफायर के लिए प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो ये चीज को माइंड में रखिएगा, हमने इस चीज को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डायग्राम, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर के लिए सबसे पहले इसकी डायग्राम को ही बनाना एक हमारे लिए काम होता है, बड़े हार्डवर्क लगती है कि सर ये डायग्राम कैसे बनाई जाए। तो डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। एक बात याद रखें, एम्पलीफायर में, इस ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टर को यूज करने जा रहे हैं एज एन कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर हम यूज करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे जंक्शन की, दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, जो हमने जंक्शंस पढ़ी हैं पीएन जंक्शंस। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में हम लोग एक तो कॉमन इमिटर इसको रखेंगे, जंक्शन यूज करेंगे, दूसरा एनपीएन जंक्शन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, एनपीएन जंक्शन हमें पता है कि उसमें फॉरवर्ड बाइस क्या होगा और रिवर्स बाइस क्या चीज होगी। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, बहुत ईजी चीज है। एक लाइन ऐसे ड्रा करें और एक लाइन ऐसे बनाएं, ये जो आपके पास है डेट इज इमिटर, ये आपके पास कलेक्टर है और ये बेस बन जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर क्या करें, इस बेस के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, एक कंट्रोल रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, इसको R1 नेम दे लें। अब चूंकि मैंने कहा कि एनपीएन आपके पास जो है, एनपीएन आपके पास फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, एनपीएन जंक्शन यूज करें, तो एनपीएन जंक्शन में इमिटर जो मेरे पास है डेट इज फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर जो होता है वो मेरे पास रिवर्स बाइस होता है। तो चूंकि मुझे इमिटर को रिवर्स बाइस करना है, इमिटर नेगेटिव है, तो आप लोग यहां से इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दें इसके साथ। ठीक है, और कलेक्टर को मैंने चूंकि रखना है रिवर्स बाइस पे, तो रिवर्स बाइस के लिए क्या करें, इसको इसकी भी एक कंट्रोल रेजिस्टेंस ड्रा करें, ये इसकी एक कंट्रोल रेजिस्टेंस है और ये पॉजिटिव नेगेटिव का सिनेरियो रखकर
इसको इसके साथ जोड़ दें, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन इमिटर चाहिए, तो इमिटर जो है इन दोनों के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो इस तरह ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, ये मेरे पास रिवर्स बायस आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इसको मुझे नेगेटिव से जोड़ना है, यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करना है, और ये मेरे पास रिवर्स बायस था और ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव देना, इसको नेगेटिव अप्लाई करना है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट बायसिंग की है, मैंने इसको इमिटर को फॉरवर्ड बायस तरीके से जोड़ा है और कलेक्टर को रिवर्स बायस तरीके से मैंने जस्ट इसको कंबाइन किया है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अभी जस्ट आपने इस सर्किट को ऑन किया है, अभी तक इसमें कोई इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई नहीं किया, अभी तक हमने स्पीकर ऑन किया उसमें सॉन्ग वगैरह कोई नहीं चला, तो ये जस्ट अभी जस्ट बायसिंग किया, इसको R1 क्या है, हमने इसको R2 कह लेते हैं। बायसिंग करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, हमने इनमें से कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। अब आपके पास जो करंट इधर से फ्लो करेगा, That current is known as IB. ये करंट जो आपके पास होगा इसको IB कह सकते हैं, कि जो यहां से करंट जा रहा है इस बेस से, इस करंट को हम कह सकते हैं कि that is IB current. और फर्दर जो करंट यहां से मूव कर रहा है इधर को, that is known as IC current. इसको हम IC current भी कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इनकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस को निकालना है, इनपुट और आउटपुट को ड्राइव करना है, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम के इतने से पार्ट को देखेंगे, देन हम इस डायग्राम के इतने पार्ट को सिनेरियो करेंगे। एक और चीज, यहाँ पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया डेट इज वी बी बी, और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करें हम डेट इज वी सी सी, कि यहाँ कलेक्टर का वोल्टेज है तो वी सी सी है, और ये वोल्टेज बेस का है तो ये आपके पास ये वोल्टेज आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इनपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। इसके इनपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाली चीजें रेस अप कर रहा हूँ, इनपुट को फाइंड करते हैं और फिर आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। अगर इनपुट फाइंड आउट करें हम, तो सबसे पहले यहां पे देखें आपके पास एक करंट है आईबी, ठीक है, आईबी करंट आपके पास मौजूद है। तो यहां से अगर आईबी फाइंड आउट करें तो आईबी आपके पास आएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे नोट कर लेते हैं कि इन दोनों में जो वोल्टेज गुजर रहा होगा डेट इज नाउन एज वी बी ई, इन दोनों में से जो वोल्टेज गुजर रहा है इसको कॉमन वोल्टेज कह सकता हूं वी बी ई, और इससे रेजिस्टेंस को भी मैं कह सकता हूं आर आई ई, इनपुट रेजिस्टेंस कह सकता हूं, वो भी आगे फर्दर मैं बताऊंगा आपको। यहां से अगर आई बी ई फाइंड आउट करते हैं बाय द ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, आई आर के पास आता है वी ओवर आर, ठीक है। आई बी वोल्टेज मैंने कहा यहां पे कॉमन वोल्टेज कितना है वी बी ई, इस करंट के लिहाज से फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वोल्टेज वी बी ई और डिवाइडेड बाय आर आपके पास आएगा, रेजिस्टेंस आर वन कह सकते हैं। एक बार याद रखें, मैं इस रेजिस्टेंस को मैं आर आई ऑफ ई भी कह सकता हूं, इस रेजिस्टेंस को आर आई ऑफ ई भी कह सकता हूं, और इसी तरह इस रेजिस्टेंस को मैं आर सी भी कह सकता हूं, आउटपुट रेजिस्टेंस है ये। IB मैंने फाइंड आउट कर लिया, हमने ट्रांसिस्टर एम्पलीफायर से पिछले पीएन जंक्शन वाले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने एक वैल्यू लिखी थी बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, और अगर यहां से IC की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं तो आपके पास बीटा IB के इक्वल आएगा। IC की वैल्यू क्या रहेगी, बीटा IB यहां पे पुट किया आपने तो V बीटा E ओवर R I ऑफ E आपके पास IC की वैल्यू आ जाएगी। ये अभी तक मैंने इनपुट की वैल्यूज को कैलकुलेट किए, इनपुट की वैल्यूज को डिफाइन किए, अभी आउटपुट वोल्टेजेस नहीं निकाले, आउटपुट मैंने नहीं निकाली, इस जस्ट इनपुट जो मेरे पास चीज गिवन थी वो मैंने फाइंड आउट किया है। डायग्राम में यहां पे ये इनपुट के लिए यूज हो रही है दोनों लाइंस, और ये आउटपुट के लिए यूज हो रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अभी तक मैंने इस पे कोई भी सर्किट अप्लाई नहीं किया, अभी तक कोई भी इस पे सॉन्ग नहीं चला, बायसिंग पे जस्ट मैं वर्क कर रहा हूं अभी तक, और बायसिंग के लिहाज से इसका आउटपुट भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, क्या करें, आउटपुट पे आपने अप्लाई करना है क्रिचिव्स वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्रिचिव्स का वोल्टेज लॉ आपने आउटपुट पे अप्लाई करना है। क्रिचिव्स वोल्टेज लॉ क्या था, कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो, आपके सर्किट के अंदर जितने वोल्टेजेस यूज हो रहे हैं उनका सम अप इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस आउटपुट के लिए कितने वोल्टेजेस हम लोग यूज कर रहे थे। देखें, एक वोल्टेज ये VCC, यहां पे लिख लेते हैं पहला वोल्टेज VCC, इसको मैं इस तरह कर देता हूं, माइनस इस रेजिस्टर के अंदर से जो वोल्टेज निकल रहा है
पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इस रजिस्टर की वजह से, वो भी एक वोल्ट ही होगा, तो वो भी माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, अगर यहाँ से आरसी, अगर वी इक्वल टू आई आर निकालते हैं तो यहाँ से करंट गुजर रहा है आईसी, और इसको मैंने कहा था मैं इसको आरसी कह सकता हूँ। फिर यहां से ट्रांसफर होते हुए एक ये वोल्टेज था पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से, एक ये वोल्टेज था, और फिर आपके पास एक वोल्टेज आता है यहां पे इन दोनों में जो गुजर रहा है वोल्टेज, दैट इज वी सी ई। यहां पे भी आपके पास एक वोल्टेज गुजर रहा है, ये जो इन दोनों में वोल्टेज है ये आउटपुट है, ये सारा इनपुट सर्किट है, तो आउटपुट सर्किट के साथ जो वोल्टेज है ये वी सी ई है। क्यों? मैंने कहा था कि एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है कि वी बी कॉमन इमिटर होगा, तो अगर इनपुट वोल्टेज में भी इमिटर आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज में भी इमिटर यूज होगा, तो थर्ड वोल्टेज में बस यहाँ से आ जाता है वी सी ई इक्वल्स टू जीरो। मैंने इस पर किर्चॉफ्स रूल अप्लाई कर दिया, किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डायग्राम बीच में आ रही है इसके, अब मैं इसको फिलहाल के लिए रेज कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको ड्रा कर लूंगा। अब जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, अब जो वी सी ई था आपके पास, उसको वी सी ई को हम लोग वी आउटपुट भी लिख सकते हैं, जो अभी मैंने कहा था कि सर्किट में वी सी ई आ रहा है, उस वी सी ई को हम आउटपुट भी लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज भी लिख सकते हैं। क्या करें, वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी, इस वी सी जो आउटपुट वोल्टेज है इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको मैं इक्वेशन टू का नेम दे देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन वन का नेम दिया था। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक जस्ट हम बात कर रहे हैं बाइसिंग के ऊपर, हमने अभी तक इसमें किसी भी तरीके का एम्पलीफिकेशन नहीं के लिए इनपुट सिग्नल नहीं दिया, ये आपके पास बेस थी, इसके साथ यहाँ पे एक कंट्रोल वोल्टेज लगा हुआ था और ये चीज इमीटर से कनेक्ट थी, और इसी तरह यहाँ पे इस कलेक्टर की जो डायग्राम थी वो भी एक कंट्रोल रजिस्टर के साथ एक इनपुट पे कनेक्ट थी, तो ये इमीटर था, यहाँ पे रजिस्टर थी कुछ आर सी, और ये आपके पास आर ई कह लें या इसको आर आई मैंने कहा था, मैं इस कंप्लीट अभी डायग्राम में बना रहा हूँ। यहाँ पे अब कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे टाइम आ गया और वोल्टेज अप्लाई करने का, वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये उसने कहा कि आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से इनपुट वोल्टेज के लिहाज से यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी कुछ गेन होगा, जो कि इस फॉर्मेशन में हो सकता है, ये बिफोर एम्पलीफिकेशन सिग्नल था, आफ्टर एम्पलीफिकेशन सिग्नल इनपुट ये हो जाएगा। क्या करें, इस सिग्नल पे अब जब मैंने एक इनपुट वोल्टेज यहां अप्लाई किया और आउटपुट वोल्टेज यहां अप्लाई किया, तो इन सर्किट्स में जो वोल्टेजेस यूज हो रहे हैं उन वोल्टेजेस के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, आपकी वैल्यूज में इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, मींस कि आपके पास वो वैल्यूज इस इनपुट वोल्टेज की वजह से उन वैल्यूज में इंक्रीज आएगा, उन वैल्यूज में इनहांसमेंट आएगी, ठीक है, तो उस इनहांसमेंट को देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास इनपुट वोल्टेज में क्या इनहांसमेंट आती है और आउटपुट वोल्टेज में क्या इनहांसमेंट आती है, ठीक है। चलें इसके बाद अब जहां पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें भी इनहांसमेंट करते हैं, जहां इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें भी इनहांसमेंट करके लिख देते हैं। आपके पास ये वी सी सी, इसमें जो इंक्रीज होता है सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज में कुछ इंक्रीज होता है तो ये बन जाता है डेल वी नॉट, ठीक है, और अगर इनपुट वोल्टेज में कुछ इंक्रीज होती है चीज, आपके पास इनपुट वोल्टेज हमने कहां पे लिखे थे, यहां पे लिखे थे इनपुट वोल्टेजेस, या यहां पे ये जो आपके पास है ये वोल्टेजेस हैं, अच्छा बाकी वैल्यू तो ऐसे रह जाएगी, आई सी आर सी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आपके पास कुछ इनपुट वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया। फर्दर क्या करें, फर्दर ये करें कि इस वी प्लस डेल इनपुट इज इक्वल टू, ऐसे लिखा रहने दें, इसको वी इन लिख लें बेशक, आईसी की वैल्यू यहां पुट कर दें, आईसी की वैल्यू आपके पास है माइनस बीटा वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ऑफ ई इनटू आर सी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस डेल वी नॉट, ठीक है, ये हमने एक वैल्यू यहां पे पुट कर ली, इस वी सी सी को एज इज रहने दें क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज था हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि सर जब इनपुट अप्लाई कर देंगे तो ये इसके अंदर भी कुछ इनहांसमेंट हो जाएगी, हम इसको करते हैं आर सी ओवर आर रेशियो आई ऑफ ई
वी बी ई प्लस डेल वी इन इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। अब मैं इस डायग्राम को रेस कर देता हूं ताकि हम प्रूव इजीली कर सके। यहां से मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि हमने यहां से ये क्रिचर्स वोल्टेज लॉ से आउटपुट वोल्टेजेस देखे, पहला VCC था माइनस किया हमने पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से दूसरा, और देन माइनस VCE हमने डिस्क्राइब किया, और देन ये इस वोल्टेज को मैंने कहा कि जो वोल्टेज आपके पास है इसको आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज करने के बाद हमने इस इक्वेशन के अंदर फर्दर क्या किया, हमने वोल्टेजेस ऐड किए और ये वैल्यू पुट कर दी IC की फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर से जो मैंने IC की वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहां पुट कर दी। यहां पुट करने के बाद क्योंकि वोल्टेज मैंने कहा था कि अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनपुट के वोल्टेज में भी इंक्रीज आएगा और आउटपुट के वोल्टेज में भी इंक्रीज आएगा, तो ये VBE मैंने कहा था इनपुट वोल्टेज है, इसमें भी मैंने एडिशन कर दी और ये V नॉट प्लस डेल V नॉट ये आउटपुट के वोल्टेज में भी इंक्रीज आ गया। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई, ये बन गई इक्वेशन 4 और ये बन गई इक्वेशन 3 बन गई बल्कि, और ये आपके पास थी इक्वेशन 2। अब सिंपल सवर क्या हमें ये करना है, हमें कि हम इन हमें इन वैल्यूज को इन वोल्टेजेस के लिए क्या करना है, मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसी क्यों इनको मजीद सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो VCC माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ऑफ ई। अब ये VBE प्लस डेल VN, एक दफा ये RC इस VBE से मल्टीप्लाई होगा और एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्यों आ जाएगी एस चीज प्लस नेगेटिव बल्कि आएगा बीटा आर सी ओवर आर आई ऑफ ई जो कि इनपुट वोल्टेज था इनटू डेल वी एन इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। इसको इक्वेशन 4 का नेम दे देते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो मैंने एम्पलीट्यूड गेन का मैंने आपको बताया था वो हमारे पास आंसर निकल आएगा। इस इनपुट को अब मैं रेज आउट कर रहा हूँ, इसको हमें जरूरत नहीं है, इसको भी बल्कि ऊपर से मैं रेज आउट कर रहा हूँ। हमें सिर्फ चाहिए अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 चाहिए मुझे। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है, ये इक्वेशन 4 है आपके पास। इक्वेशन 4 के लिए पहले ये वाला VCC माइनस बीटा आर सी वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ऑफ ई माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ऑफ ई वोल्टेज इनपुट माइनस, अब इक्वेशन 2 का ये वाला फैक्टर माइनस कर दें, दैट इज VCC माइनस। अब देखें आईसी आर सी के लिए आईसी की वैल्यू मैंने यहां पुट नहीं की हुई, सॉरी ये इक्वेशन आईसी की वैल्यू यहां पुट नहीं की हुई, आईसी की वैल्यू मैंने यहां पुट की थी वही वैल्यू मैं दोबारा से पुट कर रहा हूं, दैट इज माइनस बीटा वी बी ई ओवर आर आई ऑफ ई, ये मैंने पुट की थी वैल्यू आपके पास सी के लिए, हाँ ये हमने वैल्यू पुट की है आईसी आर सी के लिए, ये आ गया आर सी। अच्छा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चूंकि, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन के अंदर ब्रैकेट्स में इसको लिख लेते हैं। फर्दर आउटपुट वोल्टेज के लिहाज से वी नॉट प्लस डेल वी नॉट माइनस वी नॉट आ जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, आगे देखते हैं, इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वी सी सी बीटा आर सी वी बी ई ओवर आर आई ऑफ ई माइनस बीटा आर सी ऑफ आर आई ऑफ ई माइन डेल वी ऑफ एन डेल इनपुट वोल्टेज माइनस, अब ये VCSS प्लस बीटा VBE ओवर आर आई ऑफ ई इनटू RCSS, ये नेगेटिव पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा डेल वी नॉट। अब आपके पास जो वैल्यूज यहां पे कटिंग हो रही है, ये VCC इस VCC से कट आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास ये दो वैल्यूज देखें तो सिमिलर है, कैंसल आउट करते हैं प्लस माइनस, आपको जिस वैल्यू बच जाती है बीटा आर सी डेल वी इनपुट वोल्टेज ओवर आर आई ऑफ ई इज इक्वल टू डेल वी नॉट। इस डेल वी नॉट को जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनपुट माइनस बीटा।
इसका आपने प्रूफ यहाँ पे निकाल लिया। फर्दर इसके जो कंपैरेटर है, स्विच है, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।